एक बड़ी खबर, ये जो वायरस जो आप माथाफोड़ी देख रहे हैं, ये वायरस की वजह से, और वो वायरस आया चाइना से, और चाइना के सैनिक फिर से यहां पर हिमाकत करते हुए सिक्किम बॉर्डर पर भारत चाइना के सैनिक आमने सामने आए। उत्तरी सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई है। नाकुला सेक्टर के पास झड़प में दोनों देशों के सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं। डोकलाम के बाद बार बार चाइना पैंतरेबाजी करता रहता है, चालबाजी करता रहता है, लेकिन उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना आप कह सकते हैं। उत्तरी सिक्किम में भारतीय सैनिक और चाइना के सैनिक आमने सामने आए, झड़प हुई है और इसमें सैनिकों को चोटें भी आई हैं। और लाजमी है कि यह मुद्दा इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और शायद इसे आप चाइना की बौखलाहट भी कह सकते हैं, क्योंकि चाइना घिरा हुआ है। चाहे आप यूरोपीय कंट्रीज को देखिए कि वो कैसे चाइना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और यहां तक कि उससे हर्जाना भी मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी साफ तौर पर WHO को भी निशाने पर लिया और चाइना से तमाम संबंध तोड़ने की बात भी कही। उसको ये कह दिया कि उसकी वजह से, उसकी गलती की वजह से आज पूरा विश्व इस बीमारी की चपेट में है। आर्थिक तौर पर जो विसात बिछाई थी चाइना ने, वो गिरती भी दिख रही है, और उसका फायदा ये कहा जा रहा है कि भारत को मिलेगा, और शायद यही बौखलाहट यहाँ पर चाइना की कि एक बार फिर से हिमाकत कर रहा है। ऐसे नाजुक वक्त में भी बॉर्डर पर उसके सैनिक ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ रुकेंगे।